this channel is for education purpose and we do not recommend you to buy or sell any stocks before investing in our predictions please take advice from your financial advisor we are not responsible for any of your profit and losses so वेलकम बैक टू आर चैनल इनवेस्ट सो ट्वेंटी फोर नवंबर टू थाउंड ट्वेंटी के लिए जो हमने आपको यूट्यूब में स्टॉक दिए थे उनमें से पहला स्टॉक था हमारा एम जी एल जिसमें हमारे आज कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिली इसमें हमारा बाई साइड का लेवल ब्रेकआउट हुआ एस एल हिट हुआ देन शॉर्ट सेलिंग साइड का एस एल जो हमारा लेवल ब्रेकआउट हुआ तो एस एल हिट हुआ आज इसने ऐसा इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया पर कभी कभार कर देते स्टॉक्स ये हमारे फर्स्ट टारगेट टाइस तक भी नहीं पहुंच पाया जैसी लेवल ब्रेकआउट हुआ वैसी इसने अपना डाउन करने लगा अप एंड डाउन करने लगा मैं आपको इसे टेल, चार्ट में दिखा देता हूँ ऊपर पहले तो ये जो था गैप अप ओपन हुआ गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे हमारे हमारी शॉर्ट सेलिंग प्राइस थी यहाँ पे हमारी जो थी लगभग लगभग लग, 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 इस लाइन पे हमारी बाइंग प्राइस थी तो पहले तो इसने अपना गैप रिफिल किया जैसा मैं अपने न्यूवियर्स को बता दूं कि अगर स्टॉक तो गैप ऑफ ओपन होता है तो ये कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए ये देख लीजिए आप गैप अप ओपन उनके बाद ये नीचे आया उसके बाद इसने होल्ड लिया फिर दोबारा से जब लेवल ब्रेकआउट किया तब तो आप इसे बाय करेंगे या ऐसा नहीं कि यहीं पे बाय कर लेंगे टेन एम के अंदर अंदर जैसे कि ये टेन एम के अंदर गैप रीफिल हो गया था इसका तो टेन एम के अंदर जब ये गैप रीफिल कर देगा अपना उसके बाद ही जब ये देखिए गैप अप ओपन हुआ ये नीचे आया बाइंग और शॉर्ट सेलिंग प्राइस के बीच में फिर ये दोबारा से होल्ड लेने के बाद दोबारा से ऊपर गया लेवल ब्रेकआउट किया तब आप इसे बाय करेंगे ऐसे में करना है तो एम देखिए हमारा जो था ये हमारा इसी लाइन में ये चलता रहा ये दोनों लाइनों में जो हमारी बाइंग और शॉर्ट सेलिंग प्राइस की लाइन थी सॉरी ये थोड़ी टेढ़ी बन गई ये जो हमारी बाइंग और शॉर्ट सेलिंग प्राइस की लाइन थी इसी के बीच में ये चलता रहा तो इसने अच्छा मूवमेंट नहीं दे पाया इसलिए हमारे दोनों एस एल हिट हो गए तो पी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हमारे बाई साइड के दोनों टारगेट प्राइस ईजिली अचीव हो गए थे आप चेक कर सकते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो में जाके क्या हमारे स्टॉक्स लेवल थे बाकी बात करूँ अगर आपको ये स्टॉक्स नहीं पता तो मैंने टेलीग्राम चैनल पर हमेशा मॉर्निंग में प्रोवाइड करता हूँ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन जरूर हो जाएगा तो टेक महिंद्रा में हमारे बाई साइड के तीनों टारगेट प्राइस ईज़ीली अचीव हो गए थे काफ़ी होल्ड लेके हुए अप एंड डाउन हुआ बट ये एट दी एंड इसने तीनों टारगेट प्राइस ईजिली अचीव कर लिए थे और ए में हमारा ट्रेड नहीं हो पाई तो एबी में हमारी कोई भी ट्रेड क्यों नहीं हो पाई मैं आपको दिखा देता हूँ तो ये मैंने ए का चार्ट आपके लिए खोल दिया है तो आप देख पा रहे होंगे इसमें जो था स्टॉक गैप अप ओपन हुआ था क्लोजिंग प्राइस इसकी यहाँ के लगभग थी अब इसके अकॉर्डिंग में इतना ज़्यादा आपको मैं भी इतना एवरेज नहीं मैंने लगा लिया था अंदाज़ा कितने से कितना ही गैप अप ओपन हो सकता है बट ये फिर भी थोड़ा दो पॉइंट और ऊपर ओपन हो गया बट ठीक है कोई बात नहीं स्टॉक गैप अप ओपन हुआ उसके बाद इसने गैप रिफिल तो किया बट ये साढ़े दस बजे के बाद क्या और एज़ यूजल आज आपको रीज़न पता चली जाओगे साढ़े दस में दस बजे के बाद क्यों मना करता हूं जैसे मान लीजिए ये हमारी बाइंग प्राइस थी सेवनटी के अप्रोक्स थी ये हमारी बाइंग प्राइस का लेवल था तो यहाँ पे इसने हमारा ये बाइंग प्राइस लेना था और यही हमारा शॉर्ट सेलिंग का प्राइस लगभग लगभग यहां पे था तो हमारा शॉर्ट सेलिंग का लेवल था यहां पे। और हमारा जो टारगेट था वो काफी यहां पे था फर्स्ट टारगेट प्राइस छोटा होने के बाद भी यहां था बट ये अचीव नहीं कर पाया क्योंकि ये टेन ए एम के बाद का था तो इसमें हमने ट्रेड नहीं ली कोई भी ट्रेड नहीं ले पाएगा क्योंकि मैंने कहा है दस बजे के बाद अगर कोई भी गैप रिफ़िल होता है तो आपको उस स्टॉक को छोड़ना है इसलिए ए में हमारी कोई भी ट्रेड नहीं हो पाई तो आपको एग्जाम्पल गया होगा एम में ऐसे आपका गैप रिफ़िल होगा तब आप ट्रेड लेंगे अगर ए जैसा हुआ कि आपका गैप रिफ़िल नहीं हुआ दस बजे तक खाली स्टॉल मार्केट में चलता रहा या ऊपर चलता रहा तो ऐसे में आप ट्रेड नहीं लेंगे तो अब बात कर लेते हैं 25 नवंबर 2020 की कॉल्स की तो पहला स्टॉक मैंने आपके लिए चुना है एच बैंक हालांकि ये भी बहुत दिनों से काफी गैप शो कर रहा है बट ठीक है अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि हर दिन एक सेम स्टॉक आपको अच्छा प्रॉफिट नहीं देता हमें स्टॉक चेंज करने ही पड़ते हैं तो एच बैंक आप बाय करके चलेंगे वन फोर पे यानी कि जब लेवल ब्रेकआउट हो जाएगा वन का तब आप इसे बाय कर लेंगे स्टॉप लॉस रहेगा वन टारगेट रहेगा वन फोर और वन का आप हमें डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं आपको जिस तरीके के लेवल चाहिए बिलो फाइव हंड्रेड देन फाइव हंड्रेड और इन द रेंज ऑफ फाइव हंड्रेड अब थाउजेंड जिस तरीके का आपको स्टॉक लेवल चाहिए मैं हर तरीके के लेवल प्रोवाइड करता हूँ मॉर्निंग में तो बाकी की डिटेल हम व्हाट्सएप जान लेंगे आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिल जाएगा आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट सेलिंग का लेवल रहेगा आपका वन का यानी कि वन जब हो जाएगी तब आप इसे शॉर्ट सेल करेंगे स्टॉप लॉस रहेगा वन का, का टारगेट रहेगा वन फोर और वन 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 का ध्यान रखेंगे जब लेवल ब्रेकआउट होने पे ही आपको शॉर्ट सेल या फिर बाय करना है और पहला टारगेट प्राइस हमेशा स्मॉल क्यों रखता हूँ ये अभी रीजन आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर स्टॉक तो गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन हो और वो रिकवर करे तो उसमें भी हमारा जो है एक छोटा टारगेट प्राइस रखता हूँ ताकि एक टारगेट प्राइस ईजिली अचीव हो जाए और आप कुछ प्रॉफिट करके ट्रेड से बाहर निकलें दूसरा स्टॉक मैंने आपके लिए चुना है वो पी जिसे आप बाय करेंगे जब लेवल ब्रेकआउट हो जाएगा वन टू एट फाइव का स्टॉपलस रहेगा आपका वन टू सेवन फाइव का अब स्टॉप लॉस कैसे हिट होगा वन टू सेवन फाइव से जब ऊपर जाने लगेगी नीचे जाने लगेगी वैल्यू यानी कि वन वन टू सेवन फोर पॉइंट नाइन जीरो तब आप अपना ऐसे हिट मार्केट रेट से बाहर आएंगे बाकी टारगेट रहेगा आपका वन टू एट नाइन वन टू नाइन नाइन और वन टू वन थ्री जीरो एट का स्टॉपलस रहेगा सॉरी शॉर्ट सेलिंग प्राइस रहेगी आपकी वन टू सेवन फोर की स्टॉप स्टॉपलेस रहेगा वन फोर एट फोर वन टू एट फोर का अब ये जो स्टॉप स्टॉपलेस रहेगा वन टू एट फोर का ये कैसे हिट होगा जब वन टू एट फोर से ऊपर जाने लगेगी वैल्यू और टारगेट रहेगा आपका वन टू सेवन जीरो वन टू सिक्स टू और वन टू फाइव फोर का अगला अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में नहीं मिल पा रहा तो आपको डिस्प्ले पे मिल जाएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा आप हमें कांटेक्ट कर लीजिए बाकी की डिटेल हम व्हाट्सएप पर डिस्कस कर लेंगे तब तक के लिए धन्यवाद मिलता है आपको अगली वीडियो के साथ